ये मोदी जी यहाँ आके जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सोना और बंगला की जो बात कर रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं, इस व्यक्ति की जुबान का यानी जो ये बोल रहे हैं उसका एतबार किया जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2014 में इन्होंने जाने कितने वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया, 15 से 20 लाख रुपए यूं ही लोगों के खाते में आ जाएंगे ये वादा किया, इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने का वादा किया, इस देश को जो है इसमें जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई, न जाने क्या क्या कहा गया, एक भी वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। यह विशेषकर मोदी जी जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, उन्हें पूरे नहीं करते और केवल झूठ बोलते हैं। मोदी जी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आंदोलन तो निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा, चाहे वो जीते या हारे। हाँ, ये बात जरूर मैं मानता हूं, अगर वो जीतेगी तो उसके जीतने का कारण होगा ईवीएम। बिना ईवीएम के वहां वो जीत नहीं सकती है किसी भी कीमत पर। इतना बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी को हरा सकेंगे, तो वो जो वोटें हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सारी वोटें ममता जी के साथ में जाएंगे, इसलिए वह हराने की स्थिति में ममता है, कोई और नहीं है। बेशक कितनी पार्टियां वहां पे इलेक्शन लड़ रही। सचिकाल जी, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कौड़ा। सिंघू बॉर्डर दे उत्ते इस वेले मौजूद हाँ। सरकार शुरुआत दे विच कहिंदी सीगी वी अनपढ़ किसान जिहड़े ने उह इस वेले सड़कां ते ने, वरगलाए होए ने, उन्हां नूं भड़काया होया, भरमाए होए ने, इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां ने सरकार वल्लों कीतियां जा रहियां सीगियां। पर जदों सुप्रीम कोर्ट दे वकील जदों हमायत दे विच आ गए, स्टेज दे उत्ते चढ़ गए, तां उदों खलबली जरूर एक वार सरकार दे विच मच गई सी। भानू प्रताप जी साडे नाल इस वेले मौजूद ने, सब तों पहलां उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल। भानू प्रताप जी, जिवें मैं गल की है, सरकार शुरुआत च यही गल्लां कही गई भी जिहड़े किसान ने इत्थों दी उह भरमाए होए ने, भड़काए होए ने, पर जदों तुसीं स्टेज दे उत्ते आ गए उदों पता लगा भी हर एक जिहड़ा तगमा या हर एक जिहड़ा खिता है उह इस किसानी अंदोलन दे नाल जुड़िया होया, पढ़े लिखे जिहड़े लोग ने उह भी इस अंदोलन दे नाल जुड़ रहे ने, समझ रहे ने कि इह कानून जिहड़े ने उह काले किवें ने, हुण तुसीं किवें देखदे हो इस वेले अंदोलन दी स्थिति नूं किवें देखदे? नहीं, देखिए, अंदोलन की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और ये आंदोलन आज की तारीख में पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है और इतना व्यापक हो चुका है कि सरकार की कल्पना में नहीं है। इसको एक छोटा सा आप उससे अगर समझने की कोशिश करें, हमारे जो किसान संघर्ष समिति के कुछ लीडर्स हैं वो पश्चिम बंगाल में चुनाव में गए हैं, आप देखें कि उनके जाने के बाद में वहाँ माहौल में एकदम कितनी गर्माहट आई है, किस तरह से माहौल वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एक तेजी के साथ होने लगा है और ममता जी के पक्ष में होने लगा है। तो इस आंदोलन की ये ताकत है। आज 109वां दिन है और इस 109वें दिन में ये आंदोलन उसी गति से नहीं बल्कि उससे और तेजी से बढ़ रहा है। जो 26 तारीख की घटना हुई 26 जनवरी की, उसके बाद में 27 को जो गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ और उसके अगले दिन यानी उसी दिन रात को कहें कि 12 बजे के बाद से जो इस आंदोलन का व्यापक स्वरूप आपके सामने आया, पूरा उत्तर प्रदेश उठ के आने लगा, हरियाणा और साथ में राजस्थान और पूरे प्रदेश जो है सब लोग उठ के आने लगे, तो ये आंदोलन कितना बड़ा बन गया ये सबसे छुपा, किसी से भी छुपा नहीं है, सबके सामने है। सरकार ये जो कहती है कि ये आंदोलन कुछ लोगों का है, अनपढ़ लोगों का है, ये आंदोलन में शामिल जो लोग हैं वो भड़काए गए लोग हैं, उनको किसी ने समझाया, गलत तरीके से समझाया है, ये इस आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है। इस आंदोलन में शुरू से बहुत ही काबिल लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो नेता हैं आप जरा उनको देखें, आदरणीय राज्यपाल साहब कितने क्वालिफाइड हैं, वेल बिहेव, हर तरह से हर चीज़ को जानते हैं और लोगों को कितने तरीके से समझाते हैं बात, आपने देखा है। डॉक्टर दर्शनपाल जी कितने काबिल हैं, डॉक्टर हैं वो, तो इस तरह के जो लोग हैं, इसके अलावा और जितने भी नेता हैं, मैं एक की बात क्या करूं, कितने आप देख लें आप उनको, चाहे वो दलेवाल साहब हैं, आप योगेंद्र यादव जी को देखें, मतलब सारे के सारे नेता जो हैं जितने भी हैं वो वेल क्वालिफाइड है और साथ में जितने भी साथी हैं जिन्हें आप वॉलंटियर्स कह सकते हो, इवन जो किसान भी हैं वो सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और इन कानूनों को समझते हैं।
आपने एक बात बोली कि अब जो जब वेस्ट बंगाल में गए हैं तो अभी जो बात है कि ममता जी के साथ में आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार पहले से ये बात बोल रही है कि विरोधियों की साजिश है। अगर आप ये बात बोलते हो कि बीजेपी से हटके ममता जी के पक्ष में आना शुरू हो गए, तो लगता नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी बात को प्रूफ कर देंगे वो कि हाँ जी ये विरोधियों की नहीं, ये विरोधियों की कोई साजिश नहीं है, ये हर कोई समझता है। सरकार कहने को तो कुछ भी कर सकती है, जब झूठे मुकदमे बनाए जा सकते हैं, झूठी एफआईआर की जा सकती हैं, बेगुनाह लोगों को जो है एफआईआर में पकड़ के जो जेल में भेजा जा सकता है, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको रास्ते में पकड़ के पुलिस वाले जेल में भेज रहे हैं, तो सरकार तो जो चाहे कह सकती है, जो चाहे कर सकती है। लेकिन किसान आंदोलन का यहाँ से वहाँ उठ के जाना और वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ में लोगों को समझाना, किसानों को समझाना, मजदूरों को समझाना कि ये जो सरकार है, ये मोदी जी यहाँ आके जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सोनार बंगला की जो बात कर रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं, इस व्यक्ति की जुबान का यानी जो ये बोल रहे हैं उसका एतबार किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 2014 में इन्होंने जाने कितने वादे किए, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया, 15 से 20 लाख रुपए यूं ही लोगों के खाते में आ जाएंगे ये वादा किया, इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने का वादा किया, इस देश को जो है इसमें जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई, न जाने क्या क्या कहा गया, एक भी वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। एक भी वादा जो पूरा नहीं किया 2014 से लेकर आज तक, और नोटबंदी जैसा घातक एक फैसला लेके इस देश को पूरी तरह तबाह कर दिया, अकेले नोटबंदी में 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, अब उसके बाद में जीएसटी आप लेके आए, लेकिन जीएसटी जो लेकर आए हैं आप उसमें अब तक आप हजारों संशोधन कर चुके हैं, दूसरा 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का उसमें घोटाला हो चुका है, स्टेट का जो आपने हिस्सा था वो आपने दबा के बैठे हो, आप खा गए स्टेट का हिस्सा आप दे नहीं रहे हैं। तो ये जो सारे आपने काम किए हैं, साथ में जो आपने प्राइवेटाइजेशन की जो एक मतलब मुहिम छेड़ रखी है, हर चीज आप निजी हाथों में दे रहे हैं, इस देश को पूरी तरह से बेच रहे हैं, ये बेचने की बात कहाँ थी आपके मैनिफेस्टो में, कहाँ थी जो आप ये कर रहे हैं? और बेचने का मतलब ये है इस देश के लोगों के रोजगार को आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, और देश की संपत्ति को जो आपने बनाई नहीं उसको अपने पूंजीपति यारों के हवाले कर रहे हैं औने पौने दाम में, यानी कौड़ियों के दाम में। तो ये वादे कहाँ पूरे किए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन इन्हीं के काल में बीजेपी के नेताओं के हाथों कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो भूलने के होंगे, राजकुमार सेंगर वगैरह जो, कुलदीप सेंगर वगैरह जो थे, न केवल लड़की के साथ बलात्कार किया बल्कि मुकदमा उसने किया था, उसके परिवार के लोगों तक को मरवा दिया गया, सारी चीजें सबके सामने हैं। और जिस तरह से कठुआ कांड हुआ वो भी सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, उसके बाद अब जो हो रहा है लगातार वो भी सबके सामने आ रहा है। तो ये वो सरकार है, किसान वहाँ ये बताने गए हैं हमारे किसान नेता, ये सरकार या विशेषकर मोदी जी जो कहते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें पूरे नहीं करते और केवल झूठ बोलते हैं, मोदी जी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ये बात बताने की, तो जो आपसे वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा नहीं करेंगे, इनके झांसे में मत आना। अगर भाजपा सरकार वेस्ट बंगाल में आ जाती है, अगर जीत जाती है, तो फिर कितना ज़्यादा उनको और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा अपने ऊपर कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कितनी सरकार ताकतवर हो जाएगी और आंदोलन जो है उसकी क्या स्थिति होगी? नहीं, आंदोलन तो निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा चाहे वो जीते या हारे, हाँ ये बात जरूर मैं मानता हूँ, अगर वो जीतेगी तो उसके जीतने का कारण होगा ईवीएम, बिना ईवीएम के वहाँ वो जीत नहीं सकती है किसी भी कीमत पर। और भी बात बोली है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ईवीएम अगर है तो बीजेपी है, ईवीएम हट गई बीजेपी खत्म, जीतेगी वहां तो ईवीएम के माध्यम से जीतेगी, अन्यथा जीत नहीं सकती है, क्योंकि ममता जी का अगर वोट आप देखें तो जो पीछे विधानसभा चुनाव में था लोकसभा चुनाव में भी वो वोट बैंक एज इट इज रहा है, बढ़ाई है थोड़ा बहुत चाहे बड़ा हो, बढ़ाई है कम नहीं हुआ, तो आज भी उनका वोट बिल्कुल इंटैक्ट है, वोट अगर किसी का कम हुआ है तो वो और है, चाहे कांग्रेस का हुआ हो चाहे जो कम्युनिस्ट वाले हैं उनका हुआ हो, उनका कम नहीं हुआ, तो उनके हारने का मतलब नहीं है। दूसरा, जब किसान नेता गए हैं तो इस पूरे देश में उठने वाली आवाज और उस आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं किसान नेता, उनके वहां जाने का निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन ये सरकार अगर जीत जाती है, मोदी सरकार यानी भाजपा अगर वहां जीत जाती है पश्चिम बंगाल में, निश्चित रूप से उस जीत को लेकर
पूरे प्रदेश में अपने आईटी सेल और अपने गोदी मीडिया के माध्यम से हल्ला मचाएगी कि देखिए ये आंदोलन, हम तो पहले ही कह रहे थे कि चंद लोगों का आंदोलन है, ये तो केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन नहीं है। अगर पूरे देश का आंदोलन होता तो किसान हमें वोट क्यों देता? मैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि किसने वोट दिया, वो यही कहेंगे कि किसान ने हमें वोट दिया इसलिए हम जीते। तो किसान इनके साथ में नहीं है, निश्चित रूप से इसका प्रचार करेगी और उसमें सरकार को इस आंदोलन को मतलब एक साथ इसकी बात मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगी, समय लेगी उसमें। वो कहेगी, दुनिया को यही बताएगी भाई नहीं, किसान हमारे साथ में है, ये फर्क जरूर पड़ेगा। हाँ, अगर वो हार जाती है, और जैसा मुझे विश्वास है कि बीजेपी वहाँ पर हारेगी, हारने के बाद इस आंदोलन की ताकत का एहसास है तो वैसे आज भी, लेकिन उस समय बहुत मजबूती के साथ में होगा और हो सकता है सरकार इस तरह की पहल करे, जल्दी करे कि ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन की मांग पूरी हो जाए और वो कानून वापस हो जाए। इतनी आसानी से फिर भी करेगी नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ममता जी की जीत के बाद। आप जैसे कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि ममता जी की जीत के बारे में, लेकिन पार्टियां तो वहाँ पे और भी है, ज़रूरी नहीं है कि ममता जी ही जीतेंगी। नहीं, पार्टियां जो और हैं वो एक तरह से पूरी तरह से नेपथ्य में चली गई, यानी बिल्कुल पीछे चली गई, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद वहाँ पे है नहीं इस समय, आज की तारीख में। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका वजूद खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी जो बात है आज के समय में जो हो रही है, बीजेपी को जो हराना है तो आप वोट किसको देंगे? स्वाभाविक रूप से जो लोग ये मान के चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अगर वो इंडिपेंडेंटली ये सोच रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराने के लिए वो ममता जी को वोट देंगे, क्योंकि ममता जी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी को हरा सकेंगे। तो वो जो वोटें हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सारी वोटें ममता जी के साथ में जाएंगे, इसलिए वह हराने की स्थिति में ममता है, कोई और नहीं है। बेशक कितनी पार्टियां वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं। ईवीएम की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि अगर दो नंबर में स्कूल चल रहा हो तो ये जरूर कह दिया जाता है कि इस स्कूल की जो डिग्री होगी वो मानी नहीं जाएगी, वो हम लोग उसको मानेंगे नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो उसकी रिपोर्ट कह देते हैं कि हम इस हॉस्पिटल की रिपोर्ट को मानेंगे नहीं क्योंकि दो नंबर में चल रहा है। लेकिन उसी तरीके से जैसे ईवीएम है, ईवीएम के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बयान दिया था कि ये माननीय नहीं है, इसके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, सिर्फ बोल देने से कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, या फिर सिर्फ ये कह देने से कि इस रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, ये डिग्री हम नहीं मानेंगे, उससे क्या होगा? नहीं, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस देश के लोगों के सामने यही एक बड़ा सवाल है, और जब आम आदमी समझ सकता है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो समझना चाहिए। जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो मुकदमा था, उसमें जो जजमेंट उन्होंने दिया, उसके पैरा नंबर 8 में, 8 या 9 पैरा है, इन दोनों में से एक 8 या 9 पैरा, उसमें उन्होंने बात कही है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पिटीशन में लिखा है, उस पिटीशन के पैरे को एज इट इज उन्होंने कोट किया है। और उस पैरे में कहा गया है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद ये कहते हैं जो बीजेपी के नेता हैं, कि ईवीएम के माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। ईवीएम में मशीन का बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने वोट डाल दी और आपकी वोट काउंट हो गई, और आपने जिस व्यक्ति को वोट दी है, जिस पार्टी को वोट दी है, आपकी वोट उसी को चली गई। जबकि होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति वोट दे रहा है, वो जिस व्यक्ति या जिस पार्टी को वोट दे रहा है, उसके सामने ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि उसने जिस व्यक्ति को वोट दी है, जिस पार्टी को वोट दी है, उसकी वोट उसी को गई है। पर ईवीएम से ऐसा पता नहीं लगता है, इसलिए ईवीएम को हटाया जाना चाहिए, ईवीएम के साथ में वीवीपैट जोड़ी जानी। ये एक षड्यंत्र था कि ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ी जाए। हम बात बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये बात हम बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ईवीएम जो है वो हटनी चाहिए क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है, ये जो देश की स्थिति है वो हटनी चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे खत्म? मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये बात होगी, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ कि वो बात रह गई, उसके बाद मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के पैरा नंबर 27 में बहुत स्पष्ट रूप से एडमिट किया है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके साथ में वीवीपैट लगाया जाना चाहिए। मेरा एक सामान्य सा सवाल है, ये हर व्यक्ति का होना चाहिए,
जिस मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो वोटिंग के लिए और देश में प्रजातंत्र के लिए, ये सबसे जरूरी है कि जो इलेक्शन है उसका प्रोसेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये देश की सरकार का मामला है, 5 साल के लिए लोग अपना सब कुछ सरकार के हाथों में सौंप देते हैं। वो सरकार अगर गलत तरीके से बनी गई है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा, जो सामने दिख रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि इस मशीन के माध्यम से होने वाला इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट को वहीं इस मशीन को खत्म कर देना चाहिए था और वहीं से बैलेट पेपर को यूज करने के लिए आदेश देने चाहिए थे। जो आपने बात कहा ना कि होना कैसे चाहिए, आप और हम पब्लिक हैं, आप और हम गलत बात हो रही है उसके विषय में आवाज उठा सकते हैं, करेगा कौन? केवल दो को अधिकार है, कानून में संशोधन का अधिकार सुप्रीम उसको है, संसद को है जिसे कानून बना है, या राज्यों में है तो विधानसभा को है, लेकिन ये देश का कानून है, संसद ने बनाया है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961। तो इसमें अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का अधिकार केवल जो संसद है उसको है। तो होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार को संशोधन बिल ला के और इसमें अमेंडमेंट करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर लाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार क्यों लाएगी? क्योंकि वो तो उसके दिमाग में बेईमानी है, वो चुनकर ही बेईमानी से आई है, उसका विश्वास इस पर। देखिए अफसोस की बात है कि उनके एक जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके नेता, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। उनके दूसरे जो एमपी हैं इस समय जीवीएल नरसिम्हा, वो ईवीएम गलत है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो एक किताब लिखते हैं डेमोक्रेसी एट रिस्क, 246 पेज की, 246 पेज की किताब लिखते हैं, उसमें दुनिया भर के उदाहरण देते हैं। उसी में वो कहते हैं कि जर्मनी में एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी ईवीएम, और जिन देशों ने ईवीएम बनाई वो अपने यहां पे ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वो बैलेट पेपर से कराते हैं, हम क्यों करा रहे हैं? वो व्यक्ति एमपी बन गया सरकार में, बीजेपी सरकार में, और वो जो बीजेपी सरकार है वो ईवीएम को लेकर चल रही, बड़ी अजीब स्थिति, और वो अब बोलता नहीं वो व्यक्ति जो ईवीएम के खिलाफ बोलता था। तो या तो संसद करे या फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उसको अधिकार है। पर अफसोस ये है, ना तो संसद कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो अब तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाए, पूरे देश की जनता आवाज उठाए, खड़ी होकर सड़क पर निकले और संसद पर दबाव डाले ताकि ये कानून संशोधन हो और बैलेट पेपर हो, क्योंकि ये बहुत सही होना चाहिए। एक और इसके पीछे कारण है, ईवीएम मशीन, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, एडवोकेट हूं, इस देश में जो इंजीनियर है और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कोई और नहीं जानता कि ईवीएम किस तरह से काम करती है। और टोटल इंजीनियर को भी अगर मैं कह दूं कि इंजीनियर जानते हैं तो इस देश में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ इंजीनियर होंगे, बाकी जो आबादी है वो नहीं जानती ईवीएम किस तरह से काम करता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं जानते ईवीएम किस तरह से काम करती है, फंक्शन कैसे, फिर आपने क्यों लागू किया हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ये कह सकते हैं, भैया वो तो वोट डालने जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो तो मोस्टली वोट डालने कोई जाता नहीं है, तो इन्होंने ठीक है चलने दो जैसे भी है, या फिर क्या साजिश है, क्या आप सरकार के साथ में मिले हुए हैं, क्या बात है? और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के विषय में सुनने को तैयार नहीं है। एक बहुत अजीब बात है, इसके अलावा आप देखें, जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो उस देश में आप उस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको 1% लोग भी नहीं जानते जिसका कि कैसे वर्क करती है। होना ये चाहिए कि बैलेट पेपर जिससे बिल्कुल साफ होता है, आपको पता है, वोट डालने वाले को पता है कि मैंने जिसको वोट देनी है, ये मेरी वोट उसी व्यक्ति को गई है, मैंने उसी को दी है, उसी पार्टी को दी गई है, वो बैलेट पेपर से संभव है। और दुनिया के बड़े बड़े देश, अभी राष्ट्रपति चुनाव वहाँ पे हुआ है अमेरिका में, बैलेट पेपर से हुआ है, 15-20 दिन तक वहाँ पर काउंटिंग चली, कहीं किसी को दिक्कत नहीं, बिल्कुल फेयर वहाँ पे इलेक्शन संपन्न हुआ और व्यक्ति जो जीत के आया लोगों के दुनिया के सामने। हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सरकार की नीयत खराब है। आज की तारीख में अगर देखें, इस देश की 80% से ज्यादा आबादी भाजपा सरकार और विशेषकर मोदी सरकार के खिलाफ है। माने तो मतलब कि अभी सिर्फ एक जो रास्ता बच गया है वो सिर्फ जन आंदोलन का ही रास्ता बचा है, क्योंकि अभी भी जो आंदोलन है वो चल रहा है। सरकार को इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ आंदोलन के साथ और जो मुद्दे हैं वो भी जुड़ जाए, क्योंकि मजदूरों का जो मुद्दा है वो भी साथ में जुड़ा हुआ है। 12 घंटे की जो शिफ्ट उनकी की जा रही है, किस तरीके से उनके लिए जो कानून लेकर आ रहे हैं वो भी ऐसे ही कुछ कानून है, जिस चीज़ से सरकार डरती है अगर वैसा हो जाएगा तो आगे क्या होगा? नहीं, निश्चित रूप से होगा,
उसका परिणाम यही होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सरकार अगर नहीं मानेगी, आज ये आंदोलन है, आंदोलन दूसरे भी खड़े होंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से इसी NRC को लागू करने जा रहे हैं, CNRC का आंदोलन खड़ा होगा, आप रोक नहीं पाएंगे। जहां तक मजदूर है, मजदूर भी इस आंदोलन में साथ देगा, आएगा मजदूर भी साथ में, जो बेरोजगार युवा हैं वो भी सड़क पर हैं, वो भी आएंगे धीरे धीरे, सारे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सारे इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे और ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। और जब चारों तरफ गंदगी फैल जाए, जब कोर्ट भी सरकार के हिसाब से काम करने लगे, ये यूं कहा जाए कि कोर्ट भी सरकार के लिए काम करने लगे, सरकार के हिसाब से काम करें, तब क्या होगा? केवल एक ही रास्ता होता है, जन आंदोलन। और ये आंदोलन अब जन आंदोलन के रास्ते पर बढ़ चुका है, धीरे 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 ये आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप लेता चला जा रहा है। क्योंकि इस आंदोलन में देखें, केवल अब किसान नहीं हैं, इस आंदोलन में मजदूर भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं, कितने तरह हैं, इसमें फौजियों के साथ भी है इस आंदोलन में, जो छात्र हैं नौजवान वो भी इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, ये जन आंदोलन का रूप लिया चला जा रहा है और होना ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, वो यहाँ आए, बिना शर्त माफ़ी मांगे किसानों से और तत्काल ये कहें कि भाई मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दें, मैं ये कानून वापस लेता हूँ। नहीं लेंगे, जन आंदोलन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा और इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। लगता है आपको कि अगर जन आंदोलन बनता है तो जो जो उसमें मुद्दे आएंगे, जैसे बाकी सारी स्टेट्स के MSP का मुद्दा भी साथ में अब जुड़ रहा है कि बिहार को भी MSP मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अभी तक पंजाब और हरियाणा में थी, उसके साथ अगर मजदूरों का मुद्दा भी जुड़ जाता है, अगर बेरोजगारी का मुद्दा भी जुड़ जाता है, तो आपको लगता है कि हर एक चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो पाएगी, हर एक चीज़ों के बीच में जो अमेंडमेंट होगी या कानून जो है वापस ले पाएगी सरकार? जैसे मजदूरों के लिए कानून लाई है वो भी रद्द करेगी, जो किसानों के लिए लाई है वो भी रद्द करेगी, और जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएगी, ये कैसे होगा? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, फिर वो सरकार बनाई जाएगी जो सरकार इन सारी दिक्कतों को दूर करे। भाई किसानों का मुद्दा बिल्कुल जायज मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा बिल्कुल जायज मुद्दा है, आप किसी व्यक्ति से 12 घंटे काम कैसे ले सकते हैं? आप 12 घंटे काम ले रहे हैं और अपनी मर्जी से तनख्वाह देंगे आप, उसे आवाज उठाने का अधिकार नहीं होगा, उसे लेबर कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, मतलब सारे अधिकार आप उसके कर्टेल कर लेंगे और फिर उसे गुलाम की तरह जो है उससे काम लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार अगर नहीं मानेगी तो सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा, नई सरकार बनेगी, सरकार वो करेगी, और वो भी सरकार नहीं करती है तो उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होगा, उसे भी उखाड़ के फेंका जाएगा। अल्टीमेटली ये जो संक्रमण काल चल रहा है, आप इसको ऐसी माने, ये एक तरह से इस संक्रमण काल में ये जितनी गंदगी फैल गई है, ये गंदगी साफ हुए बिना ये आंदोलन रुकेगा नहीं, इस आंदोलन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इस आंदोलन की परिणति ही यह होगी, इस आंदोलन का अंतिम परिणाम यह होगा कि यह सारी गंदगी दूर होगी और जो किसानों के कानून है वो वापस होंगे, MSP बनेगी। MSP की बात जो आप कह रहे हैं, बिहार MSP की जो डिमांड हो रही है वो केवल ये नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के लिए, ये पूरे देश के लिए MSP कानून बनाने की बात हो रही है। तो बिहार के साथियों को कहने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी साथी को कहने की जरूरत नहीं है, इस आंदोलन में साथ देने की जरूरत है और वो साथ दे भी रहे हैं, लगातार साथ बढ़ता जा रहा है। MSP जो बनेगी पूरे देश के लिए बनेगी और सभी 23 फसलों पर बनेगी, कम से कम अभी तो यही स्थिति है, हम 23 फसलों की बात करें जिस पर सरकार घोषित कर रही है, और MSP भी वो जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से है, MSP ये नहीं है जो आप डिक्लेयर कर रखी है, स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 है वो अगर MSP होगी तो आज की तारीख से 1.5 गुना होगी, यानी जो MSP इस समय दे रही है सरकार उससे 1.5 गुना। जैसे माने कि गेहूं की MSP 1975 रुपये है तो वो MSP कम से कम 3100 रुपये पर जाके बैठेगी, इतना रेट बैठे, वो MSP चाहिए हमें और ये सरकार कर सकती है, सरकार पर इसके लिए कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने वाली स्थिति नहीं है। जो सरकार इस देश के पूंजीपतियों उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकती है, मोदी सरकार ने 7,95,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का, इसके साथ में हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ की उन्हें टैक्स में छूट देती है, और इसके सबके बावजूद भी लगभग 12.5-13 लाख करोड़, और अगर उसको टोटल कैलकुलेट कर दिया तो 16 लाख करोड़ से ज़्यादा का NPA है,
जो इन्हीं का है, 80% इन्हीं चंद उद्योगपतियों का कर्जा है जो अभी पड़ा है। तो जब आप उनको इतनी छूट दे सकते हो, उनके लिए इतना पैसा दे सकते हो, तो आप किसान के लिए नहीं दे सकते? निश्चित रूप से दे सकते हैं, पर आपकी नीयत नहीं है। तो जिसकी नीयत खराब है उसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा और साफ नीयत वाले अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। आखिरी सवाल की जजेस के ऊपर कई तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, कि जब वो अपनी काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगने शुरू होते हैं कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट भी होती है वो भी कई बार सरकार के साथ मिली जुली भगत होती है, उनके फेवर में ज़्यादातर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और रिटायर होने के बाद आप आवाज़ उठा रहे हैं तो इससे केवल एक ही चीज़ सिद्ध होती है कि सरकार के दबाव में लोग काम करते हैं। जो लोग सरकार से उसका इनाम पा जाते हैं, जैसे रंजन गोगोई राज्यसभा के मेंबर बन गए, वो चुप रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को इनाम नहीं मिलता, ये माना जा सकता है कि जब उन्हें इनाम नहीं मिला तो वो सरकार की बात कर रहे हैं। आप जब सीट पर बैठे हैं, जब आपके हाथ में ताकत है, जब आप नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकते, लोगों को न्याय नहीं दे सकते, रिटायर होने के बाद आप बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जहां मुझे होना चाहिए आवाज़ उठानी चाहिए, जहां मुझे अपनी कलम से न्याय कर देना चाहिए, अगर मैं वहां नहीं कर रहा, बाद में मैं कुछ भी कहता रहूं, लोगों की नज़र में मैं अपने आप को अच्छा साबित करूं, इसका कोई मतलब नहीं। सही समय पर सही काम करना ही एक सही बात है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है, आप बाद में कुछ भी कहते हैं। बिल्कुल जी, ऐसी के सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी, जिन्होंने अपनी गलबात साढ़े नाल सांझी की है, हर एक मुद्दे के उत्ते खुल के उन्होंने गलबात रखी है कि मुद्दे ने, उन्होंने कहना भी हूँ सिर्फ देश के स्थिति यह बन चुकी है भी इको एक चीज़ रह गई भी जो जन अंदोलन होवे, हर एक इंसान हर एक खिते के जो लोग ने जो परेशान ने वो इस अंदोलन के शामिल हो, अपनी मंग रखन, चाहे वह मजदूर हो चाहे बेरोजगार लोग हो, जे नौजवान वर्ग है वह होवे, जड़िया मंगा ने उन्होंने इस अंदोलन के जरिए ही रखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रस्ता नहीं बचा, जे सरकार का रस्ता तो सरकार का रस्ता नहीं बचा, इस वे जो रस्ता बचा वो सिर्फ रस्ता बचा जन अंदोलन का। सो यह अंदोलन कहते हले इस तरीके चलेगा, बाकी खितों के जो लोग ने वह भी इस अंदोलन के नाल जुड़ेंगे, या तो फिर सरकार टुटेगी या तो फिर सरकार मंगा जड़िया ने उन्होंने मनना पेगा। कैमरामैन गोल्डी के नाल मैं अनुकड़।